दोस्तों ये ऐसा एक अजूबा सांप निकला है यहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है ना जी। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कि इससे पहले जो है बहुत से लोग नहीं देखे और हमारे यहाँ ये सांप पाया भी नहीं गया है। जिस सांप के बारे में बता रहे हमको ऐसा लग रहा है बैंडेड करैत होगा, क्योंकि जैसा इन्होंने फोटो भेजा है उससे अनुमान लगाए हैं तो बैंडेड करैत होगा। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए, फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लीज सर जैसा कि देख सकते हैं ये बैंडेड करैत जो अपने बिहार में बहुत कम पाया गया है, लेकिन ये तो अजूबा बात हो गया कि यहाँ जो है बैंडेड करैत दिख गया। तो दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य हुए इस सांप को देख करके, बहुत ज्यादा परेशान है कि ये सांप कैसे यहाँ दिख गया, जबकि ये सांप कोई नहीं पहचानता है। और ये बैंडेड करैत जो है एक वाटर स्नेक को जो है ये घोटे हुआ है, और इसका पसंदीदा भोजन जो है सांप ही है। रेड स्नेक या वाटर स्नेक या उल्फ स्नेक इसी को खाता है ये, क्योंकि ये सांप को ही खाने में माहिर है। दोस्तों ये चूहा मेंढक को नहीं खाता है, ये सांप को ही खाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में है, ये सांप को जो है आधा से ज्यादा घोटे हुआ है और ये कोशिश कर रहा है कि इसको पूरा निगल जाए, लेकिन ये नहीं निगल पाएगा क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब कोशिश करते हैं उसकी भी जान बचाने की और इसकी भी जान बचाने की। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। इसकी लंबाई जो है 8 फीट की हो जाती है, ये बैंडेड करैत की जो लंबाई होती है वो 8 फीट की होती है, और ये बिल्कुल जहरीला सांप है, और इसी सांप के काटने से इंसान जो है कोमा में चले जाता है। दोस्तों ये ऐसा सांप है जिसके काटने से इंसान कोमा में पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसको जो है कोशिश करते हैं अलग करने का, और जो वाटर स्नेक है उसको तो निकालने का कोशिश करेंगे, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको उसी हाल में छोड़ देंगे। लेकिन ये बैंडेड करैत बहुत जहरीला सांप है। आपको घोटे हुआ था, और फिर ये वाटर स्नेक को जो है ये बैंडेड करे अपना निवाला बना रहा था। दोस्तों ये तो बेजुबान है, इसको नहीं पता है कौन बचाने वाला है कौन मारने वाला है। तो दोस्तों ऐसे बेजुबान जीव की जान बचाइए ताकि हमारा पर्यावरण बचे। यू आर राइट। ज्यादा हो तो लाइक हो तो ज्यादा सब्सक्राइबर हो तो पैसा भी दोनों का ये दो। ये भाई है, ये बैंडेड करैत है, ये अपने यहाँ नहीं पाया गया है, लेकिन ये एक अजूबा बात हो गया कि ये सांप यहाँ दिख गया है। तो दोस्तों बाढ़ पीड़ित में जो है बाहर से जो है बहुत ही चला आता है, ये अपने यहाँ पाया नहीं गया है ये सांप। तो दोस्तों इसका तीत जो होता है दांत बहुत बारीक होता है, इसके बाइट करने से इंसान को पता भी नहीं चलता है कि ये सांप हमको काटा है। 1 से 1.5 घंटे बाद जो है पेट में ऐठन देता है, दर्द होता है, तो समझ में आता है कि हमको सांप काटा है। अगर उस दौरान आप टैबलेट खा लेते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। तो दोस्तों अगर रात बिहार कभी भी पेट में दर्द होता है तो आप प्लीज आप जाइए सदर अस्पताल, ताकि जो है आपकी जान बचे। अगर टैबलेट खा लेते हैं, अगर ये सांप काटे रहेगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। दुनिया का कोई भी सांप आपको काटता है तो प्लीज आप लोग झाड़ फूक तंद मंत्र में मत जाइए, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। दोस्तों इसी के जहर से जो न्यूरोटॉक्सिन जहर बनता है वही आपके अंदर पड़ेगा तो आपकी जान बचेगी। दोस्तों बहुत से लोग जो है अंधविश्वास फैलाए हुए हैं, जिसका जड़ी बूटी होता है, कोई मंत्र होता है। हम वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो है झाड़ फूक तंद मंत्र वाले और ये जड़ी बूटी वाले को जेल होना चाहिए, क्योंकि वो सांप को जो है बचाते नहीं है, वो मारते हैं, और आए दिन जो है ऐसे लोगों की जान जा रही है। काम करिए बता देंगे बड़े भाई।
हाथ में लड़का को छाप दीजिए। ये और आप भी ऐसी गलती नहीं की, भैया का फोटो ले लीजिए, आए थे साफ पकड़ने के लिए, फोटो निकालोगे दोस्तों। ये भैया आए हुए थे मंत्र से सांप निकालने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जो है बहुत ज्यादा साइंस आगे जा चुका है, अब बुर्बक बनने वाली तो बात ही नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं दोस्तों जो लोगों को अंधविश्वास में रखना चाहते हैं। अंधविश्वास में नहीं तुम उसको पकड़ क्या करोगे भाई, गलती दोबारा करना भी नहीं। सांप को पकड़ने भी देखता हूँ, हर एक सांप को देखता हूँ, को देखते हो या जिसको भी देखते हो, ऐसी गलती नहीं करोगे। नहीं तो मारे जाओगे, फिर तुम्हारा जो घर का परिवार का आदमी है वो परेशान होगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो मर जाओगे, तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो है, तुम्हारी मम्मी परेशान होगी, समझे। ये सांप तो बड़ा बड़ा एक्सपर्ट दुनिया से जा चुका है, बड़ा बड़ा बहादुर जा चुका है। ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, वाहवाही कमाने के लिए ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो मारे जाइए, समझ गए। वीडियो निकाल रहे एक बार, फोटो दोस्तों। ऐसा अद्भुत नजारा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक सांप दूसरे को खा रहा है, फिर दूसरा सांप तीसरे को खा रहा है, ऐसा जो है नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूर दूर तक जो है सांप को इंसान से, इंसान को सांप से बचाया जाए, और ऐसे ही बेजुबान को बचा करके हमारा पर्यावरण बचेगा दोस्तों। अगर ये जीवित है तो आप जीवित है, अगर ये मरता है तो आप भी नहीं बचिएगा। रोके ना, फोटो लेते हैं एक बार। दोस्तों हमारी जिंदगी में ये बैंडेड करेत, क्योंकि ये सांप है ही नहीं अपने भाई बिहार में, सकते हैं दोस्तों बैंडेड करेत। ये बेजुबान की भी जान बच गई दोस्तों। तो दोस्तों इसको ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए निकलते हैं फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए, क्योंकि ये जंगल में ही रहने वाला जीव है, हमारे और आपके बीच में ये भोजन की तलाश में आ जाता है। जैसा कि आप देखे होंगे दोस्तों, ये बसवारी के जर में जो एक वाटर स्नेक से घुटे हुआ था दोस्तों, इसका जहर जो है न्यूरोटॉक्सिन है, और इसके काटने के बाद इंसान कोमा में चला जाएगा। चलता है तो कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं चलने का सीन भी दिख रहा है। देखिए कहाँ भाग समझा, ए साइकिल आवाज ये कहना भाई, हमारे से थोड़ा हट के मिलते होंगे, अगर सब हमारे जैसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई। अब बड़े और रिस्पेक्ट देता हूँ मैं, और दूसरी बात है कि वो सांप कुछ भी नहीं है, इसने एक मेरे लिए। देखिए गलती नहीं कीजिएगा दोबारा, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो मारे जाइएगा आप तक। ऐसी रही नो 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 लाओ ढक्कन लाओ। आपके पास ही जाएगा।